नमस्कार। हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में जहाँ जहाँ लोग हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी बोली पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, वहाँ हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। अकादमिक रूप से, विशेष रूप से हिंदी दिवस को हम मनाते हैं। यूं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि दिवस कमज़ोर का मनाया जाता है, सबल का, सक्षम का कभी कोई दिवस नहीं मनाया जाता, बल्कि उसका तो पूरा वर्ष होता है। मैं समझता हूँ कि हिंदी कमज़ोर नहीं है, हिंदी सबल है, क्योंकि हिंदी सरल है और जो सरल है वो अधिकतर लोगों तक आसानी से पहुँच सकती है, बहुसंख्यक लोगों तक। लेकिन जो भी सत्ता होती है, किसी भी प्रकार की सत्ता है, वो कठिन चीज़ को, जटिल चीज़ को प्रक्रिया में लाने की कोशिश करती है, क्योंकि सरल को सभी लोग जानते हैं। और सरलता के माध्यम से सभी लोग यदि जानने लग गए तो जो कठिन वो जानते हैं उसमें और सरल में भेद क्या रहेगा? क्योंकि जटिलता को बरकरार रखने के लिए, ताकि लोग अधिकतर उसे न समझ पाएं, इसलिए सरलता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदी सरल है लेकिन बहुत सबल है, हिंदी में बहुत ताकत है, हिंदी कमज़ोर नहीं है। जैसे कि आप लगभग हर विभाग में, हर क्षेत्र में रोजगार के दृष्टिकोण से हिंदी बहुत मजबूत है। आर्मी में चले जाइए, वहाँ पर धर्मगुरु होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी जाइए, आप शिक्षक होते हैं हिंदी के। अकादमिक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की ज़बरदस्त मांग है। इसके अलावा आप बैंकों में जाइए, और बहुत सारे विभाग हैं, रेलवे में है, बहुत सारे विभाग हैं, सचिवालय में है, जहाँ पर हिंदी प्रमुखता से बोली पढ़ी लिखी जाती है, रोजगारोन्मुखी हिंदी है। कलात्मक रूप से सिनेमा, साहित्य, गीत, इन सब में पत्रकारिता, हिंदी की बहुतायत में आवश्यकता है, और हिंदी बहुत उपयोगी और सक्षम और प्रबल सिद्ध हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है, हिंदी किसी भी रूप से कमज़ोर नहीं है। भाषागत रूप से कोई भी भाषा तब विकास करती है जब सभी आयामों में वो प्रमुख रूप से प्रचलित हो और उसे सभी लोग अग्रेसित करें। सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा किसी भाषा को पढ़ाया जाना या एक लेखक के द्वारा भाषा को लिखा जाना ही भाषा की समृद्धि या संवर्धन नहीं है, और न उससे भाषा विकास कर सकती है, बल्कि तकनीकी क्षेत्रों में कंप्यूटर, मोबाइल तक में हिंदी भाषा के तकनीकी उपकरण आ गए हैं और उनमें भी खूब विकास कर रही है, ज़बरदस्त प्रयोग हिंदी का लोग कर रहे हैं उसके माध्यम से। हाँ, ये जरूर है, बाज़ार में हिंदी जरूर थोड़ी सी पिछड़ रही है, लेकिन उसमें भी एक बात है कि भले ही आप किसी भी वस्तु पर उसका नाम अंग्रेजी में लिखा देखें, लेकिन उसका जो प्रचार है वो हिंदी के माध्यम से, हिंदी संप्रेषण में ही किया जा रहा है। आप ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति को जब उस वस्तु को बेचना चाहते हो तो हिंदी भाषा को ही संप्रेषण के रूप में काम में लेकर के उससे संबोधन करना पड़ेगा और उसे बेचते हैं। तो इसलिए बाज़ार में एक दृष्टिकोण से हिंदी लाभदायक है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से जरूर वो थोड़ी पिछड़ी हुई है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बाज़ार जो है या सत्ता, दो चीज़ इन्होंने हिंदी को बड़ा प्रभावित किया है पीछे रहने में, या कहीं ना कहीं इसके विकसित न होने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी को विकसित करें, और उसको विकसित करने के लिए कोई विशेष प्रकार के एजेंडे की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जिस भाषा में आप पढ़े हैं, पले हैं, बढ़े हैं, उसको बोलने में, उसका प्रयोग करने में किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए आपको, बल्कि गर्व होना चाहिए कि हम उस भाषा को बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस भाषा में आज तक हम संस्कारित हुए हैं। हमारे देश की बहुसंख्यक ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक मूल्य की जो धाराएं हैं, धरोहरें हैं, वो इसी भाषा में मौजूद है। अतः हमें किसी प्रकार का संकोच न करते हुए हिंदी के संवर्धन में अपनी महती भूमिका अदा करनी चाहिए, और हिंदी की जो बिंदी है वो हमारे देश का, हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का एक तरह गौरव है। उस भाल पर लगी हुई वो बिंदी है जो निश्चित रूप से दैदीप्यमान है, और उसका भविष्य और उज्ज्वल हम सबके हाथ में है, हम सबके कांधों पर है। अतः पुनः आप सबसे
ये आग्रह और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन के रूप में न मना करके उसे इस रूप में मनाएं कि वास्तव में हिंदी का हम संवर्धन कर सकें और उसे बोलने में किसी प्रकार का संकोच या शर्म या हमको हीन भावना न लगे, बल्कि वो एक गौरव का पल महसूस हो। उन्हें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।